हाँ गाइज, मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता देता हूँ कि किस तरह आप फेसबुक की आईडी बना सकते हो, वो भी बड़े आसान तरीके से। तो मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, आपको फॉलो करना है। तो चलो सीख लेते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक को ओपन कर लेंगे। फेसबुक को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करोगे तो अगर पहले से कोई अकाउंट आपका बना होगा तो यहाँ शो हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ओनली आपको ये क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपको सिंपली क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही अगला पेज आपके सामने ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में होगी वो सब शो हो जाएगी। जो जिस भी जीमेल आईडी से आपको अकाउंट बनाना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम उस पर क्लिक कर देंगे जिस जीमेल आईडी से हम बनाना चाहते हैं, तो हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम, तो हम अपना जो भी नाम है वह नाम रख देंगे। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल लॉक्स लिखकर ये नाम नहीं लेगा फेसबुक, क्योंकि ये इसका एक पॉलिसी है कि जो आपका जिस नाम है रियल नाम वही है, उसी नाम से आप बनाएं। पहले हो जाता था कि किसी भी नाम से आईडी बन जाती थी, अब नहीं बनती है। तो हम टेक्निकल लॉक्स को जैसे ही यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि उसी नाम से आप बनाइए जिस नाम से आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं और पुकारते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल लॉक्स को हिंदी में लिख देंगे। तो हिंदी में लिख देंगे हम, और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम और सरनेम लिख के नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, सेट कर देना है। उसके बाद सेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले बटन पर फिर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको जेंडर चेंज चूज़ करना है, आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो आप यहाँ पर टिक मार करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर अगला पेज आएगा, और आपका जो भी मोबाइल नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड डालना है, और जो भी पासवर्ड आप डालो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो ताकि कोई आपकी आईडी हैक ना कर पाए। तो यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड डाल देंगे, फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप फिर आएगा लॉगिन इन्फो सेव। तो यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमें सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कोड आएगा। आपकी जो भी आपने मोबाइल दिया होगा उस मोबाइल पे ओटीपी आएगा ऑटोमेटिकली, तो उसको डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर अगला पेज ओपन होगा, और आपकी डीपी प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर सेट करने को आएगा। तो एड पिक्चर पर क्लिक करके आप प्रोफाइल पिक्चर गैलरी में जाके चूज़ गैलरी फ्रॉम गैलरी, या फिर टेक फोटो खींच के यहाँ पर आपको आपकी इमेज कर देना है। अलाउ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारा डीपी ढूंढ लेंगे हम। और यहाँ पर डीपी ढूंढने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर फिल कर देंगे। ऑप्शन डन वाले बटन पर हमें क्लिक करना होगा। डन वाले बटन पर क्लिक करते ही फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। कुछ सेकंड वेट करना होगा, उसके बाद फिर अगला पेज होगा। फिर यह टर्न ऑन करना है। ये टर्न ऑन आप करेंगे तो आपके जो भी फ्रेंड है, मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट है, वो आपको देख पाएंगे, और आप उनको देख पाओगे, ढूंढ पाओगे आसान तरीके से। तो टर्न ऑन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर एड योर फ्रेंड, यानी कि आपको यहाँ पर 5 फ्रेंड चूज़ करना है और सिलेक्ट करके उनको फ्रेंड बनाना है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो, बाद में बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 5 फ्रेंड, तो आप इसको करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली इनके पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। अगर आपको अभी नहीं करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी। स्किप करने के बाद आपकी प्रोफाइल 50% काम हो चुका है। अब हम प्रोफाइल को एडिट करके अपनी पूरी 100% इसको क्रिएट कर लेंगे। तो डीपी पर या डीपी जो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये हमारा नाम आ चुका है हिंदी में टेक्निकल लॉक्स। फिर आपको अबाउट में जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एट कंट्री सिलेक्ट करना है, जो भी इस कंट्री में रहते हो। तो हम इंडिया इंदौर में हैं, तो इंडिया इंदौर कर लेंगे। उसके बाद सेम वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब कवर पेज का ऑप्शन आएगा। अगर कवर पेज आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लगा सकते हो, या कैमरे वाले बटन पर, या फिर नेक्स्ट कर से अलाउ एक्सेस करके यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आपको अभी नहीं लगाना है तो आप बैक आ जाए और स्किप कर दे। अब यहाँ पे बायो, हॉबीज़ और म्यूजिक, जो भी आप
पसंद करते हो वो यहाँ पर फिल कर सकते हो, डाल सकते हो। अगर आपको अभी नहीं डालना तो स्किप कर देंगे हम। उसके बाद आपकी प्रोफाइल, व्यू योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ डिटेल्स में देख सकते हो आप, इंदौर फ्रॉम इंडिया इंदौर। अब ये एडिट पब्लिक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट पब्लिक डिटेल्स जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कवर फोटो का ऑप्शन आ गया है। आपका जो भी बायो है वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और डाल सकते हो। तो चलते हैं और हम सबसे पहले वर्क डालते हैं। वर्क प्लेस पे हम क्लिक करेंगे। जो भी हम काम करते हैं उसका डाल देंगे हम। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ तो मैं डालूँगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेव कर देंगे हम। जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में शो हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा ऊपर वर्क एट में इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट पे जाए, और यहाँ हम एडिट पे फिर जाने के बाद यहाँ हम आप इसको काट देंगे, क्लियर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे यूट्यूब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वर्क एट यूट्यूब। जो भी आप वर्क करते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद फिर आपको एजुकेशन रिलेशनशिप जो भी आपको यहाँ पर शो कराना है वो आप यहाँ डाल सकते हो। और लिंक भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो आपकी कोई सी भी वेबसाइट की। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले ऐड सोशल लिंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यूज़र नेम जो भी आपकी साइट है उसका यूजर नेम डालना होगा और वेबसाइट का एड्रेस डालना होगा। तो हम डालेंगे यूट्यूब की। तो यूट्यूब को क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ लिंक जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह कहाँ की भी लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस यहाँ जो लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं यूट्यूब के अंदर होम पेज में। होम पेज में से यहाँ पर हम शेयर वाला बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी लिंक पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे हम। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद पेस्ट करने के बाद बैक आएंगे हम। अब यहाँ देख सकते हो टेक्निकल लॉक्स और वेबसाइट जो भी हमारी ईमेल है यहाँ पर यूट्यूब लिखा हुआ है। जब जो भी हमारे यहाँ पर क्लिक करेगा youtube.com पे तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो आप तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है ये पता है आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।